गुंजन अपनी सहेली की शादी के लिए अपने घर बिहार से शहर आई थी। गुंजन एक देहाती लड़की थी जिसे गांव के तौर तरीके से रहना बहुत पसंद था। इसके साथ उसे बर्गर, चाउमीन, पिज्जा नहीं बल्कि चावल बड़े भाते थे। शादी में गुंजन खाना खाने के लिए जाती है। गुंजन खाने में ढेर सारे चावल रखती है। गुंजन की थाली में इतने सारे चावल थे, ये सामने खड़ा संजय देख रहा था, जिसे गुंजन बहुत पसंद आती है। तो गुंजन उसे सुनाकर वहां से चली जाती है। लेकिन सुनने के बाद भी संजय को गुंजन काफी अच्छी लगती है, और इसीलिए गुंजन जब वापस अपने शहर बिहार जा रही होती है तो संजय उसे फिल्मी हीरो की तरह स्टेशन पर जाकर रोक देता है और अपने प्यार का इजहार करता है। गुंजन भी संजय को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो भी शादी से इनकार नहीं करती, और कुछ ही समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गुंजन सबके लिए रोटी बनाती है, जिसमें गुंजन की सास कस्तूरी कमियां निकालती है कि वो रोटियां मोटी है। इसीलिए गुंजन दिन में दाल चावल बनाती है ताकि उसकी सास खुश हो जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके ससुराल में कोई भी चावल नहीं खाता। जब ये पता चलता है तो गुंजन बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे तो चावल बहुत पसंद थे। वो अपनी सास से विनती करती है कि वो उसे चावल खाने दे, पर उसकी सास उसे मना कर देती है। अब बिहारी बहू होने की वजह से वो कैसे चावल बिना रह पाती, इसीलिए वो खाना ही छोड़ देती है। जिसके बाद उसका पति उसे बताता है कि उसकी माँ को भी चावल पसंद है, लेकिन डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है। ये बात सुनकर गुंजन को एहसास होता है कि उसे अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए, जिसके बाद वो चावल खाने की जिद छोड़ देती है और रोटियां ही बनाने लगती है। लेकिन ऐसे में उसकी सास उसे खुश करने के लिए उसके लिए अपने हाथों से चावल बनाती है और उसे परोसती है, जिसे खाकर वो बहुत खुश होती है। और उसके बाद उसकी सास उसे कभी कभी ससुराल में चावल बनाकर खाने की इजाजत दे देती है।